हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो एनडीए मंथ ऑफ जुलाई प्रिपरेशन प्लान है कंप्लीटली। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानना चाहते थे, अब मैं मंथली मैंने आपको लास्ट मंथ का भी दिया था, इस मंथ का भी दे रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि अभी हमारे पास इस बार, क्योंकि 17 नवंबर को इसका एग्जाम है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए और सुनिए कि एनडीए में अब तक अगर हम देखें तो नॉर्मली जो अप्रैल के बाद वाला सेशन होता था वो होता था सितंबर में, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ्स मिलते थे, राइट। और उस 4 मंथ में जो पहला बैच था यहाँ पर, जिसमें क्लासरूम में केवल 12 बच्चे आए थे, उसमें 6 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला था, और वो भी 2 मंथ की प्रिपरेशन से, 2.5 मंथ का कोर्स था वो, और ऑनलाइन में मोर देन 120 स्टूडेंट थे, राइट। तो अब आपको मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी अगर हम देखें तो आज 2 जुलाई है, और मैंने ये प्लान किया है कि 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में आपको 4 मंथ्स यानी 120 डेज मिलना, उसके बाद भी 17 डेज बचेंगे जो कि टेस्टिंग में आपको वर्क करना है। यानी अगर आप अभी भी सोचें तो अभी तक हर बार, क्योंकि सितंबर पेपर होता था तो लगभग इतना ही टाइम मिलता था जितना आज से लेके मिला हुआ है, क्योंकि नॉर्मली अप्रैल 20 के बाद पेपर होता था और सितंबर के 2nd-3rd week में एनडीए होता था, यानी ऑलमोस्ट वो ड्यूरेशन है जो हमेशा होती थी। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है उसने ऑलरेडी काफी प्रिपरेशन कर ली होगी, पर अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो, क्योंकि आज भी कई सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते जा रहे हैं, रेगुलर सबसे ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डिफरेंट जगह पे थे, उनका वहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, वो भी जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज से, तो मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप आज 0 पे भी है तो भी आपके पास सफिशियंट टाइम है, बशर्ते आपका फोकस डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे भी एनडीए में वही बच्चा डिजर्व करता है जो बहुत ही फोकस पढ़ाई करता है, बहुत ही फोकस अपने एम को लेके होता है, क्योंकि आपको ना रिटर्न निकालना है बल्कि आपको SSB भी क्वालिफाई करना, और SSB क्वालिफाई करना यानी मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली हर एरिया में स्ट्रांग होना जरूरी है। भी आपके पास 120 डेज है, इसलिए मैं ये सेशन लेने से पहले, इस पूरे मंथ के प्लान के पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, 120 डेज एक अच्छा टाइम होता है। इस टाइम में आप चाहें तो सारे टॉपिक्स को मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, GS के कवर कर सकते हैं, बशर्त है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, ऑनेस्ट हो। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th पास आउट हैं, जिन्होंने अभी तक भी ढंग से पढ़ाई नहीं की एनडीए की, अभी भी आप बिल्कुल एक एक्शन ले लीजिए, पढ़ा तो सब कुछ होता है आपने 11th-12th में, बस उसको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आना है, क्वेश्चंस पे रीच बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे जुड़ते हैं मुझसे, जब बच्चे बात करते हैं क्लासरूम में, जो आए हुए बच्चे हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज वाले बच्चे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में 20, 30, 35 तक ही पहुंच पाते हैं, उसका रीजन ये होता है, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, नंबर 2 सॉल्विंग अप्रोच, नंबर 3 स्टेप्स, इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप कोई एग्जाम देते हैं स्पेशली एनडीए, तो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं, इन 120 क्वेश्चंस में मेरा ये मानना है कि 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने, 20 ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, थोड़े इससे इजी, और 40 ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो सकते हैं, 40 ऐसे होते हैं जो कि 2 और 3 स्टेप में होते हैं, यानी एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वही टेक्निक डेवलप की जा रही है। तो कई बच्चों ने जब बताया कि सर हमने जो NDA-1 दिया था, जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, तो उसमें हम मैथ्स में 20 तक रीच कर पाए, 30 तक रीच कर पाए, 35 तक, उसमें भी 15 गलत हो गए, 50 किए थे, 20 गलत हो गए, वो इसलिए होते हैं कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान होना, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं आपको बोलूँगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस से जो आपके पास कोर्स है उसमें पूरे मैथ्स के फाउंडेशन के साथ साथ पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्विंग अप्रोच के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए गए, तो आप जब उससे पढ़ें तो पहला काम आप ये करिएगा कि पहले फाउंडेशन वाले फोल्डर को पूरा करना है, 2 अप्रोच से एक ही टॉपिक को किया, फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से उसको कवर किया गया, फिर उसको सॉल्व करिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि मैथ्स में आप इजीली 80 से 90 तक स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बच्चों को एक बात और बोली थी कि इस बार NDA-1 में कई बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले मोस्टली बच्चों के मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ बच्चों के साथ ये हुआ कि उनका GS बिगड़ा, तो हमने इसके लिए क्या प्लान किया है कि हम थोड़ा सा प्रॉपर एंड लॉजिकल तरीके से अगर चलेंगे तो हम GAT में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहले हम समझें, इस बार का कट ऑफ मैथ्स का अप्रोक्सीमेट 110 से 120 गया है, और GS का, GAT का कट ऑफ जो है वो 220 से 240 के बीच में गया है। मुझसे कुछ बच्चों ने एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारा स्कोर तो 400 हो रहा है पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ NDA-1 में, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर
आपका इसमें 200 है और इसमें 200 है, तो भी जैसे ओवरऑल कट ऑफ लगभग 340 के आसपास गया है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर दो इसमें मान लीजिए 200 लाए और इसमें 150, तो आपका 350 होता है, पर आपको कॉल नहीं आएगा, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। दोनों का इंडिविजुअल ही होना चाहिए, मिनिमम है। इनका एडिशन जो होता है वो होता है ओवरऑल। तो कई लोग इस चीज में मिसगाइडेड होते हैं। कुछ बच्चे जिनने जीएस में जीएटी में 400 स्कोर कर लिया, मान लीजिए एग्जांपल, इसमें 100 किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्ट होने के लिए दोनों में इंडिविजुअल ही देखना होता है, तो आपको दोनों तरफ से वर्कआउट करना है। अब आप जीएटी में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जरा इस पर मैं बात करता हूँ कि कैसे आप रीच बनाएं। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से बात कर रहा हूँ, और वही चीज़ हम लोग क्लास में भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश 200 मार्क्स का है। मैं चाहता हूँ कम से कम आप बिल्कुल प्रैक्टिकली 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश को ट्राई करिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश के बाद जीएस, जीएस पे मैं अभी बाद में आऊँगा। फिर आते हैं फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स 100 मार्क्स का आता है, पर वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, 9th 10th 11th का भी बहुत बेस। आप कोशिश करेंगे तो 60 से 80 तक कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो फालके सर पढ़ा रहे हैं, वो करवाते ही ऐसा है कि आराम से बच्चा स्कोर कर सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री एंड बायो, जिसको मिला के 100 आता है, ये 50। अब अगर हम देखें तो ये तीनों को अगर जोड़ें तो 210 स्कोर होता है। अब अगर जीएस का देखें तो 200 मार्क्स का होता है। अगर आपने 50 से तब पेपर आया तो 50 से 50 कर लें, इजी आया तो 100 तक भी करते हैं, तो आप आराम से 300 तक क्रॉस कर सकते हैं। यानी एक वेल प्रिपरेशन करी जाए, एक ऑनेस्टली लॉजिकल तरीके से, तो आप उस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टारगेट की, भाई इंग्लिश में कई जगह कन्फ्यूजन होता है, पर आप 100 तक स्कोर कर सकते हैं। जीएस में भी 100 तक स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। फिजिक्स में 60 लीस्ट रखा, हाईएस्ट 80, और केमिस्ट्री बायो जो 100 नंबर का आता लगभग, उसमें अगर आप 50 के आसपास, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा, मैथ्स में जिस ढंग से कोर्स कवर किया गया है, अगर आपने उससे, जो ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट हैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपने उससे बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की तो इजीली 200 तक मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हैं। और ये इनिशियल स्कोर आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत बेनिफिट देने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब ये स्कोर से आगे जाके रैंकिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा, ये एक चीज़। तो आप लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़िए, अभी भी 120 डेज हैं। इन 120 डेज को अगर आपने वेल प्लान तरीके से स्टडी की तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। आप एक साइक्लिक ऑर्डर में चलिएगा, जैसे हमने पहले टॉपिक लिया था एलजेब्रा, राइट, फिर उसके बाद लिया ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद हम लेंगे कैलकुलस, फिर उसके बाद हम लेंगे पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद स्टेटिस्टिक्स, फिर वेक्टर, और फिर 3D, या इसमें आगे पीछे हो सकता है। अब आप भी अगर इसी कुछ ऑर्डर में पढ़ लें या स्टेटिस्टिक्स बाद में कर लें, तो पहले वेक्टर कर लिया, देन 3D कर लिया, देन स्टेटिस्टिक्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स कर लिया। तो ऐसा एक साइकिल बनाने का कोशिश करिए। अभी इस समय क्लासेस में क्या चल रहा है, जुलाई मंथ में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी बताऊंगा। जून में जैसे हम मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस था, अब ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीट हो गया, ये पूरा वीक मैंने डाउट क्लास प्रैक्टिस क्लास के लिए रखा हुआ है। और आपको जो संडे टेस्ट मिल रहा है उसमें भी आपने नोटिस की होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का पेपर आ रहा है। अच्छा, इन पेपर्स के सॉल्यूशंस में मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा है कि जो आपके पास वीडियो सेशन है उसमें ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस कवर हैं, अगर आप उनको दोबारा देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा सैटरडे को, और मंडे से हम लोग 8 तारीख से कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और ये चलेगा लगभग 45 से 50 डेज। यानी और कैलकुलस में स्टार्ट हम करेंगे फंक्शन, फिर लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इजीली 45 डेज लगेंगे। ये हमारा एक टारगेट है। अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, पहले वो इसको कवर करें। आपको जो संडे टेस्ट मिलेंगे उस पर ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा मिलेगा, और कैलकुलस भी आप अगले वीक से मिलना चालू हो जाएगा, इसके बाद वाले संडे से। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप एलजेब्रा को पहले कवर करें, यानी ये तीन चीज़ों को पहले कवर करना जरूरी है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी बाद में करना। तो आपके पास क्योंकि कोर्स होता है तो आप इजीली इन टॉपिक्स को अगर देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और 2 to 3 आवर स्टडी करना है, पूरा फाउंडेशन पहले अच्छे से करना है। अगर आपको कोई बुक प्रैक्टिस के लिए करनी है तो एनसीईआरटी की बुक अच्छी रहेगी आपके लिए हर एक उसमें, तो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते चलें, मिसलियस एक्सरसाइज जरूर करें एनसीईआरटी की, वो बहुत हेल्प करेगी, और फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करें, ये एक चीज़ ध्यान रखिए। तो ये है जुलाई का
पूरा टेंटेटिव, इवन जून जुलाई के अगस्त में भी लगभग 15-20 दिन कैलकुलस चलने वाली है। ये एक हुआ मार्क्स का। अब इसके साथ अब देखिए, अलग अलग तरह के बच्चे आप लोग जुड़े हुए मुझसे, आपने अगर पहले से ये कर रखा है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक साइकिल बताई। अगर आपने नहीं किया तो पहले इन टॉपिक्स को कवर करें। आप अगर अभी ट्वेल्थ में हैं तो कैलकुलस वैसे भी आपके ट्वेल्थ में काम आने वाला है, यानी आपका माइंड सेटअप बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। 2D जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, PNC के बाद वैक्टर के पहले आप 2D को कंप्लीट कर दें, राइट। फिर वैक्टर करें, फिर 3D करें, फिर स्टेटिस्टिक्स करें, मिसलिनियस करें। अब मैं बात कर रहा हूँ GS में, तो GS में इस मंथ में पॉलिटी खत्म होगा और पॉलिटी के बाद हिस्ट्री। मैं आगे का भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इसी मंथ में ये कवर कर सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप जुलाई का अगस्त में करें, आप जितना जल्दी कर सकते हैं बहुत अच्छा है। तो GS में मैं आपको पूरा मंथ का प्लान बता रहा हूँ कि इस मंथ में जो चीज़ें हम करवाएंगे और जो आपको करना चाहिए, तो पॉलिटी देन हिस्ट्री। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होगा। केमिस्ट्री के बाद बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए टॉपिक्स के नाम बड़े लिखे हैं, पर क्योंकि इनका बेस पोर्शन आता है इसलिए टॉपिक्स जल्दी कवर हो जाते हैं। बहुत टफ लेवल पे नहीं आते, JEE लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, फिजिक्स बहुत बेसिक लेवल पे होता है। तो उसके लिए NCERT की बुक बहुत हेल्प करेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड उसके बाद स्टार्ट होगा रे ऑप्टिक्स, यानी ये पोर्शन फिजिक्स में। इंग्लिश की बात करें तो नाउंस एक बड़ा पोर्शन है, नाउंस इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए करीब करीब 15-20 क्लासेस में डिटेल में कवर किया जाएगा। बायो में बात की जाए तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस को हम कवर करेंगे, यानी ये जुलाई मंथ का एक प्लान है। टेस्ट पेपर्स आपको पता है, आपको मिल रहे हैं। टेस्ट पेपर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस के पेपर मिलेंगे, और एक पेपर हम आपको ऑलरेडी इस बार GAT का दे रहे हैं जिसके टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, यानी अभी 120 दिन को आप 120 दिन के बाद 17 दिन और मिलेंगे, पर हम 120 दिन माने ये 120 गोल्ड डेज हो सकते हैं अगर आप बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था क्वेश्चन कि सर हमारा बीच में TES भी है, अभी नेवी टेक की भी डेट आ जाएंगी कुछ समय बाद, तो क्या करें? तो उसके लिए आप अपनी इस प्रिपरेशन को कहीं डिस्टर्ब ना होने दें। साथ में SSB के लिए भी जो सेशंस हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। SSB मैंने आपको कई बार बोला है कि एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है जिसमें आप कितने स्ट्रांग हो, कितने मोटिवेटेड हो, कितने फोकस हो, ये चीज़ टेस्टिंग होती है। ग्राउंड वर्क से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो आपको उसको अपने आप को तैयार करना है उसके लिए। तो उसके लिए आप अपनी NDA-2 की प्रिपरेशन में कहीं गैप ना आने दें, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, और अगर आप पूरा उसके भरोसे बैठ गए TES के या नेवी टेक के, तो आपको लॉस हो सकता है। ऐसे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि NDA एक ऐसा एग्जाम है जिसके हर एग्जाम्स को हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना, साथ में SSB के लिए भी रखना, और SSB के लिए भी बहुत फोकस रहे। इस संडे को मैंने आपको फर्स्ट डे स्क्रीनिंग नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के टेस्ट भेजे थे, अभी वो भी हम आपको भेजते रहेंगे जिनके ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं। अगर आपको बाई चांस पेपर्स, आपको मैंने बोला था आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत टेक्निकल सपोर्ट या ऑफिस में बात कर सकते हैं, अपना ID बता के वो पेपर्स देखें, क्योंकि NDA-1 में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसका फ़ायदा उठाइए। NDA-1 की भी अब आपको SSB की डेट मिल गई है जो कि अगस्त एंड और सितंबर में है, तो आप अपना SSB पे भी फोकस रखिए जो लोग सिलेक्टेड हैं, और साथ में NDA-2 की प्रिपरेशन भी इस ढंग से करते चलिए। भी कोई रिलेटेड डाउट आए तो आप मुझे भेजिएगा, मैं इस तरह के सेशन लेता रहूँगा। पर अब मैं हर मंथ का आपको पूरा इसलिए एक मंथ का बताया क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मंथ का बताने से आप इसे 15 दिन में कवर कर लें, आप आगे निकल जाए। नहीं होता एक महीने में भी अगर आप करते हैं, क्योंकि हम क्लास में एक महीने में कवर करेंगे तो भी चलेगा, पर कोशिश करिए जितना कम समय में आप कर पाएं उसका आपको फायदा मिलेगा, और बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास, अगर आपने अपने आप को फोकस करके पढ़ाई करी तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।